आज हम लोग हैं पटना गांधी मैदान में और हमारे साथ हैं अमित विक्रम जी टीटी शिक्षक संघ की ओर से, और हम उनसे जानेंगे कि 5 सितंबर वाले कार्यक्रम के विषय में इनका क्या विचार है। आइए हम मिलवाते हैं आपको। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो 5 सितंबर वाला जो कार्यक्रम होने वाला है, हम जानना चाहते हैं कि उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं। 5 शिक्षक के आंदोलन को लेकर के हमारी तैयारी पूरी है और मैंने स्वयं कई जिलों में घूम घूम कर शिक्षकों से आग्रह किया है वो अधिक से अधिक यानी कि 100% संख्या में पटना पहुँचें और आंदोलन में शरीक हों। हमें थोड़ी निराशा हुई है, गांधी मैदान जिस भी कारण से हमें नहीं मिल सका, इसके जो भी कारण है पता लगाया जा रहा है, उस पर काफ़ी विवाद भी है। इसके बावजूद मैं सभी शिक्षकों से अपील करता हूँ कि हमारा जो भी आंदोलन तय है, जो भी कार्यक्रम तय है, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो गांधी मैदान नहीं मिलने से हो सकता है कि आपको लगता है कि आंदोलन में कुछ प्रभाव पड़ेगा आंदोलन पर? देखिए, गांधी मैदान का एक अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। गांधी मैदान में जो भीड़ जुटती है उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में असर पड़ता है। हमने खुद कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल BBC, द इंडियन एक्सप्रेस, वाशिंगटन पोस्ट तक को हमने सूचित किया था और वहाँ से रिप्लाई आया था कि अगर आप जो संख्या कह रहे हैं कि 2 से 3 लाख कम से कम जुटेंगे, उसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवर करेगी। लेकिन गांधी मैदान कैंसिल करके एक छोटा सा संजय गांधी स्टेडियम, मिनी स्टेडियम दिया गया है, वहाँ की क्षमता 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, तो निश्चित ही इसका प्रभाव ये होगा कि पटना की सड़कों पर शिक्षकों का हुजूम उमड़ेगा। जो भीड़ हम चाहते थे कि गांधी मैदान के प्रांगण में एकजुट होकर के एक साथ रहे, व्यवस्थित रहे, लेकिन अब वो भीड़ सरकार की कुनीतियों के कारण, बुरी नीतियों के कारण, वो भीड़ अब पटना के सड़कों पर दिखेगा। स्टेडियम में तो 20-25 हज़ार रहेंगे, लेकिन बाकी जो 2 लाख शिक्षक आएंगे वो पटना की सड़कों को जाम कर देंगे, तो इससे अव्यवस्था बढ़ेगी और अंततः फिर सरकार हमें ही दोष देगी कि शिक्षक अव्यवस्था फैलाते हैं। जबकि इस सब अव्यवस्था के पीछे मूल रूप से सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार हैं। अगर वो गांधी मैदान हमें देते तो इस प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होती, जिसकी संभावना थोड़ी बहुत 5 सितंबर को है। फिर भी शिक्षक एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में रहकर आंदोलन करें, इसकी मैं सभी से अपील करता हूँ। सरकार के गलत नीतियों के बावजूद शिक्षक नहीं रुकेंगे और शिक्षक भले ही गांधी मैदान में नहीं बैठेंगे, शिक्षक कहीं अलग बैठेंगे, लेकिन पटना के रोड पर भी शिक्षक उतर सकते हैं। फिर भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं शिक्षक नेता। आइए हम, हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ने वाली हैं, वैष्णवी जी, और वैष्णवी जी गोपालगंज से हैं और इनसे जानते हैं कि क्या इरादा है इस बार 5 सितंबर को, क्या करना है इन लोगों को। आइए मिलते हैं वैष्णवी जी। नमस्ते जी। आप 5 सितंबर को क्या करने वाले हैं आप लोग? 5 सितंबर के दिन हम लोग बिहार के तमाम नियोजित और नियमित शिक्षक एक साथ धरना प्रदर्शन सब वेदना अपने वेदना को प्रकट करने के लिए पाटलिपुत्र की धरती पर इकट्ठा होने वाले हैं और सरकार की गलत नीतियों को आईना दिखाने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम लोग सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अगर आप अपने दमनकारी चक्र के द्वारा हमारे मांगों को दबाइएगा तो हम गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए अनशन करेंगे और अपने अधिकार को पाके रहेंगे। तो शिक्षक गांधीगिरी पर गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप ये लोग अपना काम करेंगे, शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन जारी रखेंगे और यह आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती है। और मैं बताते चलूं कि इनकी मांगें क्या है। समान काम समान वेतन। धन्यवाद।